असलामीक। पार्ट फिफ्थ में बना रहा हूँ, उसमें अभी इसको देखें मेजर किया कि इसकी जो लेंथ है सपोर्ट की वो है 83। मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ तक ताकि ये एरिया कवर हो जाए, क्योंकि पावर उसकी कनेक्शन भी लगने हैं। तो मैं इसकी रॉड को जो है एक्सटेंड करूँगा थोड़ा, तो मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ उसको। 83 में मैं प्लस 13 ऐड करूँगा तो ये 100 हो जाएगा पूरा। मैं इसमें शेफ्ट में गया हूँ, तो ओपन करूँगा उसके कंपोनेंट लेवल के ऊपर। कंपनी लेवल पर आगे इसका रॉड है जिससे हम सारे काम कर रहे हैं, ये रॉड है। यहाँ से मुझे इसको ऐड करना है 13 इंच मोर। देखें ये इसका करंट साइज जो है कितना है, देख लेते हैं। देखिए 200 है, इसमें 13 इंच और ऐड करना है, बस 13 मीटर। ओके अब इसमें देखिए कोई एरर नहीं आया, इसे ऐड कर दिया इसको, लेकिन हो सकता है जब हम लोग उधर जाएं तो वहाँ एरर आए, इसलिए यहाँ पीछे से ऐड हुआ है, इधर से ऐड नहीं हुआ, यहाँ से ऐड हुआ है। तो इसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, हमें फॉरवर्ड से ऐड करना है, ये इसका ओरिजिनल है, हमें यहाँ से ऐड करना है। तो बेहतर यही है कि हम इसको कट कर दें, ये जो उसका है, ये जो है ना पार्ट, इससे हम ऐड कर दें और। तो इसको मैं कट को ख़त्म कर देता हूँ, और ये जो इसका है पार्ट, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ उसके स्केच को। और यहाँ आकर ये जो पार्ट है इसको मैं ऐड करता हूँ। ये कहाँ मिल रहा है मुझे, इधर मिल रहा है ये पार्ट, वन साइडेड है, टू साइडेड है, ये साइड 5 है और ये 200 है। तो मैं इसको 13 करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर भी जो है ना गलत हो गया, बढ़ना तो चाहिए यहाँ से बढ़ गया, ये फिर प्रॉब्लम करेगा उधर जाके, हम जाएंगे एक्चुअल सारी चीज़ें डिस्प्लेसमेंट में हो चली जाएंगी। तो रिस्क लेने की जगह पे हम क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है वो यहाँ और ऐड करते हैं, ताकि फिर ये फॉरवर्ड से ही ऐड हो। बिल्कुल एक्यूरेटली उसी साइज का ऐड करते हैं और 13 इंच में डाल देते हैं। ये टेक्निक है, सर करते हैं 13 ताकि वो 100 हो जाए पूरा। मर्ज कर दिया मैंने इसमें, तो पता नहीं लगेगा आपने एक नई चीज़ ऐड की। इसको ओके करते हैं, ये ऐड हो गया, और इसके अंदर फिर हम लोग कट लगाएंगे। इसके अंदर हमने गिना नहीं कितना था कट, वो हमें तो दोबारा करना पड़ेगा। मैं नो सेव करता हूँ, उसको स्कार्ट करता हूँ, डिस्कार्ड करने के बाद मैं पीछे जाता हूँ दोबारा, मुझे ये देखना ये है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, इसको मैं दोबारा ओपन करूँगा सेकेंड टाइम। पहले इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं कि ये हमें दोबारा क्रिएट करना, देखें ये कट लगा हुआ है और इसकी साइजिंग देख लेते हैं। ये साइज 15 इंच का है ये, ठीक है, और ये तो इसका सर्कल का साइज हो गया, और इसका कट जो है यानी एक्स कट एक्स्ट्रा एक्सट्रूड जो है ना वो है जी 10। तो ये हम याद रखना है, 13 ऐड करना है, उसके बाद 10 ऐड करना है, 10 था ना ये सब। मैं इसका स्नैपशॉट ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ उसका,
अच्छा मुझे याद रहे, टॉप पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखिए मैं ऐसा सेव कर लेता हूँ उसको, ये मैंने इधर सेव कर लिया ताकि मुझे याद रहे कि ये 10 है, ठीक है। और इसका जो सर्कल है उसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, उसको डिस्कार्ड करता हूँ मैं, ताकि जो इंसान के जहन से निकल जाता है तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको सेव कर लें, बार बार आना ना पड़ जाए। 50 नहीं है, इसका एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं, उसको एक नए पेज में स्टोर कर लेता हूँ। मैं एक दूसरी स्क्रीन पर कर रहा हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एनीवे ये देखें, ये मैंने इसको इस तरह सेव कर लिया। अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये वाली और ये वाली। अब मुझे अगर मैं भूल जाऊँगा तो इधर आके देख लूँगा मैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको लेफ्ट राइट स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ मैं, आपको नज़र नहीं आएगा, और इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ मैं। अब जाके मैं इस कट को डिलीट कर दूंगा और स्टैंड करके फिर कट बनाऊंगा उसको। ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको, मैंने डिलीट कर दिया इसको, डिलीट हो गया था। और उसको स्केच भी ख़त्म कर रहा हूँ, मैंने देखिए तब बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इधर गया हूँ, अंदर गया, मैंने इसका नया स्केच ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए ऐड हो गया नया स्केच। यहाँ आके मुझे कितने इंच का बनाना है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। यानी जो भी इसका साइज था 20 इंच था, 20 इंच का मैंने बना दिया। इसको चेक कर लेते 20 का बना नहीं बना, देखिए 20 का आ गया साइज उसका, ऑटोमेटिकली उसने बता दिया, मैंने डायमेंशन से चेक कर लिया, ओके कर दिया इसको, ठीक है। अब जाके मैं इसको एक्सटेंड करूँगा उसको कितना, 13 इंच, ताकि कंप्लीट है। ऑलरेडी मर्ज किया है मैंने, और वन डायरेक्शन है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं दे रहा, ओके कर दिया मैंने। इसके बाद जाके अब मैं वही कट दोबारा लगाऊंगा उसमें जो 10 इंच का था। तो मुझे याद है 15 इंच का सर्कल था, 15 इंच इसको मैं दूंगा स्मार्ट डायमेंशन से, और उसको ओके कर दिया, और उसको मैं कट लगा दूंगा कितने इंच का, 10 इंच का, 10, ठीक है। अभी ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा विदाउट एनी एरर। अब एरर कोई ना कोई आ सकता है, हमने ऐड किया तो हो सकता है ये शिफ्ट हो जाए आगे की तरफ और काफ़ी एरर्स आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा आके इसको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर पूरा दोबारा मुझे करना पड़ जाएगा। ये कई बार हो चुका है मेरे साथ, यस करते हैं अब पता चलेगा कि जब पहुँचेगा तो देखें आ गया एरर, ये दो एरर आ गए। अच्छा ये एरर आए इसकी वजह से, बड़ा कर दिया रॉड, ये पीछे नहीं मूव हुआ, ये पूरा शिफ्ट नहीं हुआ इस तरफ, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्लोज करना पड़ेगा, और देखिए कौन कौन से एरर आए इसमें, इसमें मैट्स में देखना पड़ेगा जाके, इसमें तो कोई एरर नहीं आया है, लेकिन ये एरर दिखा रहा है, ये दो एरर दिखा रहा है, ये किसके एरर हैं। अच्छा ये इसके एरर ही हैं, लेकिन इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं मैट में जाके, ये देखेंगे ये दो एरर है, ये दो एरर जो है ना इसको हमने एडिट करना है, ये पार्ट खराब हो रहा है, और उसको जाके डिलीट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये अंदर जाना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये इसने इसको रोक के रखा हुआ है। और ये कनेक्शन है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक
फिर अब इसको हम पीछे ड्रैग करते हैं और ड्रैग हो गया, ड्रैग हो गया। ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, ये देखे ना पूरा मैं असेंबली को ड्रैग कर रहा हूँ। असेंबली तो नहीं है, कंपोनेंट्स हैं लेकिन मैंने असेंबल किए हैं थ्रू मैट। अब जाके दोबारा मैं मैट ऐड करूँगा, मैंने एक्सटेंड किया इसको 30 मिलीमीटर। सबसे पहले मैं इसको को एक्सेंट्रिक लूँगा इसके साथ, ताकि ये जो है इस होल में चला जाए बिल्कुल एक्यूरेटली सेंटर। ये आ गया, मैंने ओके किया इसको, और ये लॉक भी होना चाहिए, क्योंकि लॉक होगा तो फिर आपस में एक साथ जो है ना रोटेट होंगे। क्योंकि आप सेकंड पार्ट जो है ना इसका ये है कि मैं इसको कंसंट्रेट करूं और उसको गैप को जो है ना ये व्यू नजर नहीं आ रहा इधर से, थोड़ा उसको मैं घूम कर आया, मुझे व्यू नहीं मिल रहा इसका, थोड़ा कभी कभी हाइट कर हो जाता है ये, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मुझे इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा ताकि मुझे फिर भी जो है ना वो उसका नज़र नहीं आ रहा व्यू मेरे को अंदर। तो मैं दूसरा तरीका क्या करूँगा, मैं जो हूँ ना वो इस वॉल को इसके जो एंड पॉइंट लूँगा, व्यूएबल तो यही है ना मेरे पास, और दूसरा ये पार्ट इसके साथ मैं को इंसिडेंट करूँगा इसका, अंदर से नज़र आ रहा है इस तरह हो गया, और उसके बाद मैं इसको ओके करूँगा और उसको बंद करूँगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा मुझे कहीं कोलिजन तो नहीं हो रहा, कोलिजन डिटेक्शन भी नहीं, कोलिजन डिटेक्शन नहीं हुआ। तो ये हमने इसमें 13 मिलीमीटर ऐड कर दिया, उसके हिसाब से हमारा जो है, मैं इसका व्यू कर लूँ नॉर्मल व्यू में ले आऊँ। अभी ये नॉर्मल व्यू में नहीं है, ये नॉर्मल व्यू में ले आया मैं, देखिए ये थोड़ा पीछे चला गया, ये एरिया थोड़ा गैप ज़्यादा आ गया, ठीक है ना। ये मेरा इस वीडियो में था कि मैंने इसमें करना था, ये मैंने कर लिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसको एक्सटेंड करूँगा ताकि ये इससे एक मैच करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।